अच्छा इनके नाम तो बताओ शयान मुझे, ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये देखो कितना ज्यादा है आपके एनिमल, और भी हैं, और भी हैं। ये देखो ये कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। और ये कौन सा एनिमल है? चिगाला। चिगाला? कौन सा चिगाला? मोगली। नहीं नहीं, इसको इसका असल नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत होंगे। तो दोस्तों शयान के ये एनिमल्स हैं और इनसे दिन सारा ये खेलता रहता है, कभी कहाँ लेके जा रहा है, कभी कहाँ लेके जा रहा है, और इनको इतना प्यारा तरीके से ये डेकोरेट करता है ना, आपको क्या बताऊँ दोस्तों। तो अब ये ऊपर आए मेरे पीछे और अपने एनिमल्स बैग में लेकर आया है, और इससे हम नाम पूछते हैं, और हम पूछते हैं एलिफेंट का, दोस्तों इसने बता दिया, और क्रोकोडाइल का भी बता दिया, और शयान से इनका पूछते हैं, बाकी ये रहते हैं। शयान जल्दी जल्दी और बताओ इन इसका नाम क्या है? जीब्रा। जीब्रा। और ये क्या है? हिप्पो। हिप्पो। और ये जिराफ। और ये लायन। और ये चीता। चीता। माशाल्लाह से शयान दोस्तों बहुत ही शौकीन है परिंदों का, जानवरों का, और आप देख भी सकते हैं इसको छोटी सी उम्र में इन सब एनिमल्स के नाम पता हैं। बहुत ही दोस्तों अच्छी बात है, शयान को भी एनिमल्स बर्ड्स का शौक है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ अपडेट्स देनी थी। अपडेट्स मैंने क्या देनी थी, कल हमारी गुनेफॉल्स उड़ गई थी, और एक गुनेफॉल्स तो हमारे घर पहुँच गई थी, और दूसरा मेल हमारे नेबर्स की छत पर बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा तंग किया उन्होंने मुझे, बहुत तंग किया दोस्तों। काफ़ी टाइम के बाद आखिर मेल भी हमारा घर वापस आ गया था, और मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मेल हमारा, ये देखें दोस्तों ये आया हुआ है, मेल और फीमेल मतलब दोनों ही घर पहुँच चुके हैं, और फिर ये वापस नहीं भागे, ऐसे ही मतलब अपनी मर्जी से ही घूम रहे हैं। मैंने इनको बांधा भी नहीं है और बंद भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कह भी रहे थे कि भाई इनको आप पैरों में रस्सी बांध दें या इनको इनके पर काट दें, तो यार मुझे अच्छा नहीं लगा यार कि इनके मैं पर काट दूं या इनके पैरों में रस्सी बांधूं, तो बिल्ली का भी खतरा होता है, अगर मैं इनको रस्सी से बांध लेता तो बिल्ली भी इन पर हमला कर सकती है, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही रहने दिया, चलें जी अपनी मर्जी से घूमते रहेंगे। और दूसरी अपडेट दोस्तों मैंने आपको ये देनी है, इधर है, तो दोस्तों ये हमारे कबूतरों का घर जो अभी इस टाइम आपको खाली नज़र आ रहा होगा। तो क्यों खाली हो गया दोस्तों? ये मैंने अपने कबूतर अपने दोस्त के यहाँ भिजवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी दोस्तों जगह ठीक नहीं थी, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, जिसकी वजह से फिर मुझे दिल में एक खौफ सा आ गया कि यार अगर इस सर्दी में हमारे कबूतर इसी जगह रहेंगे तो उनको बीमारी भी लग सकती है, मतलब ठंड की वजह से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो मैंने फिर एहतियातन अपने दोस्त के यहाँ भिजवा दिए हैं, मैंने उसको बोला है भाई कुछ दिनों तक मैं अपना डरबा बनवाने लगा हूँ कबूतरों के लिए स्पेशल, तो मैं अपने कबूतर फिर वापस ले लूँगा, फिलहाल कुछ दिनों के लिए ये मेरे कबूतर तुम संभाल लो, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं है भाई, मैं अपनी छत पर अपने डरबे में ये कबूतर रख दूंगा अपने कबूतरों के साथ जब तक आपका डरबा नहीं बनता। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये ठीक हो गया, अच्छा हो गया हमारे लिए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि एक तकरीबन 5 फीट लंबा उनके लिए एक खुड्डा बनवाऊँ लकड़ी का, ठीक है, और उनके अंदर फिर कबूतरों के बॉक्स भी लगवा दूंगा, ब्रीडिंग बॉक्स, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने उसको दे दिया कि चलो जब तक मेरा नहीं बनता तो ये फिलहाल रख लो तुम। दोस्तों अब हम चलते हैं नीचे और मैं वापस छत पर आऊँगा, किस टाइम? रात के टाइम, और आपको अपने परिंदों की रात की रूटीन दिखाऊँगा कि रात के टाइम मेरे परिंदे मास्टर केज में कहाँ कहाँ छुपे हुए होते हैं, पौधों के ऊपर गुजारते हैं या अपने नेस्ट में चले जाते हैं, ये आपको रात को दोस्तों मैं दिखाऊंगा, बड़ा ही प्यारा मंजर होता है। मैं रात को कभी कभी आता हूँ ना दोस्तों, फिर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। चलिए दोस्तों रात होने तक इंतजार करते हैं और फिर आते हैं वापस छत पर अपने मास्टर केज के अंदर। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रात हो गई है और मैंने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, 2 से 3 घंटे अभी रहते थे रात होने को, तो मैंने फिर वीडियो स्किप कर दी थी कि चलें जी जब रात होगी फिर हम अपने मास्टर केज में जाएंगे और हम अपनी फिंचेस को अपने डायमंड डस्ट को देखेंगे। तो अभी दोस्तों लाइट्स ऑन करते हैं हम, तो लाइट्स ऑन हो गई दोस्तों और अब हम चलते हैं अपने मास्टर केज में। और फर्स्ट टाइम दोस्तों हम रात को इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, अब पता नहीं किस तरह का माहौल है अंदर। मैं वैसे पहले भी गया था, तकरीबन 2-4 हफ्ते पहले गया था रात के टाइम, तो अभी भी चलते हैं और देखते हैं कि फिंचेस किस तरह से बैठी हुई हैं, डायमंड डव्स कहाँ हैं, अपने घोंसलों में हैं या नहीं है। चलें दोस्तों चलते हैं।
तो मास्टर के दोस्तों हम आ गए हैं और सबसे पहले हम अपनी गोल्डन फिंचेस को देखेंगे कि गोल्डन फिंचेस कहाँ पर हैं और किस तरह से वो अपने नेस्ट में बैठे हुए हैं। तो चलें देखते हैं दोस्तों। और ऐसा ऐसा जाते हैं बताओ कि यार फिंचेस अपने घोंसलों से उड़ जाएँ तो फिर मसला हो जाएगा, फिर रात को वो अपने घोंसले में नहीं पहुँच पाएंगी। तो चलें देखते हैं। तो पहले पहले दोस्तों मुझे एक फिंच अपनी नज़र आ गई, ये देखें ये बैठी हुई है अपनी गोल्डन फिंच। ये फीमेल है दोस्तों मेरे ख्याल में, और ये हमारी शिजुका बैठी हुई है दोस्तों। ये शिजुका है और इसका शेरदिल पता नहीं अब कहाँ बैठा हुआ है दोस्तों, उसको देखते हैं हम। शेरदिल यार इसके साथ ही होना चाहिए था लेकिन वो इसको छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया है। देखते हैं दोस्तों, ये नीचे तो नहीं बैठा हुआ, शेरदिल कहाँ है, शेरदिल कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है शेरदिल, और नहीं है यार शेरदिल नहीं बैठा हुआ। और इधर देखते हैं, यहाँ तो नहीं बैठा हुआ, तो शेरदिल दोस्तों अंदर बैठा हुआ, ये देखें माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप, ये बैठा हुआ है शेरदिल, ये अपनी शिजुका को छोड़ के दोस्तों नेस्ट में बैठा हुआ है और शिजुका बाहर बैठी हुई है। अब पता नहीं इनकी नाराज़गी चल रही है या क्या चल रहा है, एक घर में मतलब रात के टाइम ये नहीं है। तो खैर इसको डिस्टर्ब नहीं करते दोस्तों, ये बाहर निकल गया तो फिर वापस अंधेरे में ये अपने नेस्ट में नहीं जा सकेगा। तो अब दोस्तों हम अपने डायमंड डव्स को देखते हैं कि डायमंड डव्स कहाँ बैठी हुई हैं। रात के टाइम दोस्तों इस तरह से हमारे मास्टर केज में बैठे होते हैं, जिस तरह से दोस्तों जंगल का माहौल नहीं होता वैसे ही दोस्तों लग रहा है। और हमारे दोस्तों स्ट्रॉबेरी फिंच वो कहाँ पर है वो देखते हैं। अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों कहाँ पर है हमारे स्ट्रॉबेरी फिंच, और नज़र तो नहीं आ रही दोस्तों, उसका साइज़ भी दोस्तों इतना सा है और मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ बैठी हुई है। पहले हम मेरे ख्याल में दोस्तों नहीं यार इधर नहीं है स्ट्रॉबेरी फिंच दोस्तों, नहीं मिल रही मुझे, आप फिर ट्राई करता हूँ, इधर जाता हूँ। ये बैठी हुई है दोस्तों, देखिए माशाल्लाह से स्टिक के ऊपर बैठी हुई है। तो इसका मेल दोस्तों मैं इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में लेकर आ जाऊंगा, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते दोस्तों, फिलहाल इसको ऐसे ही बैठा रहने देते हैं। तो अब हम दोस्तों अपनी डार्जी को देखते हैं और उसके साथ में उसका पार्टनर कहाँ बैठा हुआ है उसको देखते हैं। थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों दूर से क्योंकि उनके बच्चे हैं साथ में, अगर वो इस टाइम घोंसले से उड़ गए तो फिर रात को वो अपने बच्चों को हीट नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं दूर से देखूंगा। तो मेरे ख्याल में दोस्तों डार्जी और उसका मेल दोनों ही इसी घोंसले में ही हैं, क्योंकि मुझे और पूरे मास्टर केज में नहीं नजर आया डार्जी का मेल, और दूसरा जो हमारा अकेला एक मेल था जेब्रा फिंच का वो भी मतलब मुझे पूरे मास्टर केज में नहीं नजर आया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे जेब्रा फिंचेस अपने घरों में मौजूद हैं और सुकून से मतलब बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।